बेटा अदन को भी कह देती रुक जाता, हमारे साथ खाना खाता फिर चला जाता। अम्मी उन्हें कुछ काम था और मैंने उनसे इजाजत ली है कि मैं चंद दिनों के लिए आपकी तरफ आ जाऊं। उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना अगर तुम यहाँ रहोगी? बेहतर नहीं होगा अगर तुम जब दिल चाहे तुम उसको कह दो, वो तुम्हें ले आएगा? आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं चली जाऊं? बेटा जी मैंने ऐसे कब कहा। थैंक यू। राहिला भाई अभी तक वापस नहीं आए, मैं कितनी देर से आई हुई हूँ। हाँ वो अम्मी को छोड़ने के लिए गए थे, शायद वहीं रुक गए होंगे, मैं पूछ लेती हूँ। बेटा उसको फोन करके बता दो सोमिया आई है, कोई पसंद की चीजें भी ले आएगा। जी। अम्मी राहिला तुम चुप चुप क्यों हो? शर्मिंदा है, हालांकि लाख उसको कहा कि जो हो गया सो हो गया भूल जाओ, फिर भी नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाती। कहाँ जा रही हो नाजी? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। अक्षम से कहो तुम्हें छोड़ा है। जिसे छोड़ना होता है वो छोड़कर नहीं आते अंकल। बहू हो तुम इस घर की, मेरे बेटे की मोहब्बत हो, मैं क्यों चाहूंगा कि वो तुम्हें छोड़ दे? क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? कहा ना कि अक्षम की मोहब्बत हो तुम, अगर तुम चली जाओगी तो बेरंग हो जाएगी उसकी जिंदगी। सौम्या भी मेरे भाई की मोहब्बत, एक बहन होने के नाते कोई भी बहन ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके भाई की जिंदगी बेरंग हो जाए। खुदा गए नुमान, उन्हें तो कहीं जाना भी नहीं था, फिर क्यों इतनी देर लगा रहे? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, नुमान आपकी तरफ है? नहीं तो वो तो मुझे बाहर ही छोड़ के चला गया था। वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, रात हो गई है, सब परेशान हो रहे हैं। किसी काम से चला गया होगा? हाँ शायद। वैसे वो मुझे परेशान लग रहा था, सारे रास्ते में उससे बातें करती रही लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि हुमानी की सेहत की वजह से परेशान हो। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा वो घर आ जाए तो मुझे जरूर बता देना, मुझे फिक्र लगी रहेगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।